नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के मुगमा में गल्फरबाड़ी यूपी प्रभारी बीएन सिंह ने वाहनों की जांच की और बांटी खाद्य सामग्री। लॉकडाउन के दौरान बेवजह चलने वाले वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया, जिसमें 5 दोपहिया वाहनों पर फाइन किया गया। साथ ही गल्फरबाड़ी स्थित मांझी बस्ती में जाकर लगभग 300 पैकेट ब्रेड बिस्कुट वितरण किए। जो संतोष सिंह सूर्य बिल्डर धनबाद द्वारा सहयोग किया गया ओपी प्रभारी ने बताया कि मांझी बस्ती ओपी से दूर होने के कारण यहां के लोग भोजन के समय ओपी नहीं आ पा रहे थे, इसलिए इन लोगों के बीच ब्रेड एवं बिस्किट का वितरण किया गया। मुगमा से मलय गोप की आज रिपोर्ट। कहां आप लोग गए थे, मतलब कहां कहां गए हैं? और ऐसे तो पेट्रोलिंग सभी जगह चल रहा है, चेक इन भी चल रहा है। चेक इन के दरमियान में आज 11 गाड़ी पकड़ाया मोटरसाइकिल, जिसमें 5 फाइन में गया और कुछ लोग गैस लाने जा रहे थे, कुछ दवा लाने जा रहे थे, उनको डिटेन किया गया। समझाया गया कि कम से कम हेलमेट पहनिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजिंग लेकर के चलिए, उसको करते रहिए। उसके लिए थोड़ा देर उन लोग को डिटेन करके फिर छोड़ दिया गया और 5 में मोटरसाइकिल फाइन में गया। गए थे तो आज गए थे मांझी बस्ती, गल्फरबाड़ी एरिया में ही मांझी बस्ती है, वहाँ करीब 60 घर लोग हैं और दूर दराज है यहाँ से थोड़ा, तो लोग खाना खाने आ नहीं पाते हैं। सुबह में कुछ लोग आते हैं लेकिन सब लोग नहीं आते हैं, तो इसीलिए उन लोग को वहाँ आज ब्रेड बिस्कुट का व्यवस्था किए थे, वही उन लोग को गए थे। ये थे नहीं, एक जगह से आया था, एक सोनू सिंह है धनबाद के, वही भिजवाते हैं और उसको हम लोग जा करके फिर बांटते हैं।